साल 2023 में फिल्म डंकी के बाद से शाहरुख किसी भी मूवी में नजर नहीं आए और अब तो सुनने में आ रहा है कि साल 2025 तक भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन 2026 में शाहरुख अपनी फिल्म किंग के साथ एक बड़ी धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। ये फिल्में सुजय घोष डायरेक्ट कर रहे हैं और काफी समय से इस पर चर्चाएं हो रही है। कभी कभी इस फिल्म के बारे में नए अपडेट्स सामने आते रहते हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। लेकिन खबर है कि बहुत जल्द मेकर्स इसे अनाउंस कर देंगे। अब जरा अगस्त की बात करें, जब शाहरुख को स्विट्जरलैंड में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उसी दौरान उन्होंने अपने फैंस को एक छोटा सा हिंट दिया था और उनकी अगली फिल्म का नाम किंग होगा। अब मिडडे की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख के बर्थडे यानी 2 नवंबर को इस फिल्म का ऑफिशियल ऐलान होने जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि शाहरुख और उनकी बेटी सुहाना दोनों ने मिलकर इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की तैयारी भी शुरू कर दी है। और इस फिल्म में सुहाना का लव इंटरेस्ट कौन होगा? अभय वर्मा। जी हाँ, अभय वर्मा इस फिल्म में सुहाना के साथ नजर आने वाले हैं। इसके अलावा शाहरुख, सुहाना, अभय और अभिषेक बच्चन जनवरी में बुडापेस्ट में इस फिल्म का पहला शेड्यूल शूट करेंगे। अब ये भी चर्चा है कि मेकर्स कुछ टॉप हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर्स से भी बात कर रहे हैं ताकि फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिखाया जा सके। सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म का एक्शन डिजाइन किया है, साथ ही वो किंग के लिए क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हैं। अब सोचो शाहरुख के फैंस कितने एक्साइटेड होंगे इस फिल्म के लिए। आखिरकार इसमें शाहरुख एक बार फिर से डॉन के किरदार में दिखाई देंगे, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि वो सुहाना के गुरु के रोल में होंगे और अभिषेक बच्चन विलन बनकर धमाल मचाएंगे। तो बस अब इंतजार करो शाहरुख के बर्थडे का और फिर देखो क्या धमाका होता है। ऐसे ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।